मॉडल का कहना है कि लेबर गांव से हटेगा तो उसका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जॉब का देव रहेगा। ये आप सोच लिए, यहाँ गांव से हटा नहीं कि उस लेबर का प्रोडक्शन बढ़ा कि घटा, ये आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा। गांव से छोड़ के चला जाएगा तो वो आदमी को दोबारा लौट के आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो उसको जमीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारा फैक्टर्स है। तो कहता है कि कैन एग्रीकल्चर लूज लेबर एंड नॉट आउटपुट, कहा कि उसके हटने से ही हो सकता है आउटपुट पर असर हो जाए, क्योंकि हर लेबर एक क्वालिटी का नहीं होता है। घर में ही एक आदमी के कारण पूरा खेत चलता रहता है, एक आदमी के कारण पूरा खेत जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो ह्यूमन बिहेवियर है। फिर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करता है या एग्रीकल्चर करता है उसको नॉलेज का भी जरूरत होता है। तो कहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर केवल लेबर लूज करेगा कि प्रोडक्शन लूज कर जाएगा? सब टीचर को रिटायर कर दिए, ओल्ड टीचर रिटायर कर दो, यंग को लाओ। अब यंग को बहुत सारा चीज मालूम है कि नहीं मालूम है, क्रोध पर नियंत्रण है कि नहीं है, वन टू वन स्टूडेंट से फाइट कर ले है ना। तो कहता है कि इकोनॉमी में कैन एग्रीकल्चर लूज लेबर एंड नॉट आउटपुट। तो एक इकोनॉमिस्ट है टी डब्ल्यू सुन, टी डब्ल्यू कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं, रिसर्च भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है, कहते हैं कि हम नहीं मानते हैं कि एग्रीकल्चर से लेबर हटने पर उसका प्रोडक्शन आईबीटी रहेगा। कहीं ऐसा उसमें एक आदमी नहीं चला जाए जो सबको शांत करा के खेती करवाता था, खाली से खड़ा रहने से सब काम करता है, और उसी को आप ले गए दिखला दिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एयर कंडीशन। तो कहता है कि इट इज नॉट श्योर, और उन्होंने टी डब्ल्यू सूर्य ने कहा कि नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि लेविस मॉडल का, अगर इसको पालन किया जाए तो हो सकता है कि एग्रीकल्चर का लेबर घटने से प्रोडक्शन भी घट जाए। उसके बाद है एक इकोनॉमिस्ट है रैनिस फाइन, रैनिस फाइन जो है ये कहा जाता है कि सूर्य के तरह ही भी रिसर्च एग्रीकल्चर में किए। इन लोगों ने रिसर्च निकाला कि ठीक है सरप्लस लेबर जाए, कितना जाए, किसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, किसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निगेटिव है, किस एरिया में क्या है, ये सारा स्टडी हो और तब वो जाए। और ये कहते हैं कि स्टिल बेटर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इफ वांट द मॉडर्न सेक्टर टू ग्रो। कहता है कि मॉडर्न सेक्टर अगर ग्रो करना चाहता है तो एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होगा तब वो ट्रैक्टर खरीदेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ट्रैक्टर बनाएगा, पावर टिलर खरीदेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पावर टिलर बनाएगा। बहुत सारा मशीन जो खरीदा जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो बनता कहाँ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो देयर इज ए नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर If modern sector want to grow। उसके बाद कुछ इकोनॉमिस्ट जो है टोडारो भी आते हैं, ये माइग्रेशन पर जोर देते हैं कि everything depends on market working and impact of migration rural economics। जो रूरल इकोनॉमिक्स हमारा है वो यहाँ से जो लेबर गया दूसरे जगहों पर, तो everything depends on the market working an impact of migration on rural economy। कहता है आज के जमाने में implications है लेविस मॉडल का कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है,
एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सरप्लस लेबर है तो ठीक है, लेकिन दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और लेबर सरप्लस हो जाएगा, जितना मैकेनाइजेशन होगा उतना लेबर डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से, इसलिए कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो लेस रूरल होगा, लेस एग्रीकल्चरल होगा और वर्ल्ड बिकेम मोर अर्बन, वर्ल्ड बिकेम मोर अर्बन एंड लेस एग्रीकल्चरल। आज देखिए भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना है, 57% आदमी जॉब पा रहा है, पहले 75% जॉब पा रहा था, और पॉपुलेशन जो है यूएसए में कनाडा में 5% से 7% आदमी एग्रीकल्चर में, जितना डेवलप होगा एग्रीकल्चर से उतना आदमी निकलता चला जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि एग्रीकल्चरल चेंज में स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स और इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। छोटा सा एरिया में फ्रूट्स उगा लीजिए या मशरूम उगा लीजिए और आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ टेक्निक लोग नहीं जानता है, जो जानता है वो बैगन का एक्सपोर्ट करने पर तुला हुआ है, हम लोग यहाँ जाड़ा में बैगन का चोखा खा रहे हैं। रूरल एरिया में एक आदमी से मिले, ही इज एक्सपोर्टर ऑफ वेजिटेबल्स, और सब डब्बा वो से बनाया हुआ है बढ़िया से, बैगन या टमाटर या पालक का पत्ता इस सब को एक्सपोर्ट करता है। ये चीज हमारे यहाँ कुछ ही लोगों में है, ज्यादा लोगों में ऐसा होता तो पैकिंग डिजाइन ये वो सड़क के किनारे नाली पर बैठ करके सब्जी नहीं मिलता। एक आदमी को देखे कि मूली लिया और उसको सूंघ आता, कुछ सूंघ क्यों रहे हैं, एकदम ताजा है, देख रहे हैं बड़ा विचित्र महक है, तो उसे पूछा कि काहे पकड़ा है, ताकि क्या करें जो जल्ला का पानी है इसलिए महक है उसका। वो पूछता कि जल्ला क्या है, जल्ला वही है गंदा पानी में जो रहता है उसी को जल्ला कहते हैं, सब जगह का नाली उली का पानी उसमें रहता है तो धो के उसको। अब सोचिए अब वो आदमी कैसे उसको खाएगा, उसके दिमाग में घुस जाएगा कि भाई कहाँ है, तो ये सब चीज नहीं है, कहाँ धोएगा, कहाँ उसको पैकिंग करेगा, कैसे उसको बेचेगा, ये सब स्ट्रक्चरल चेंज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर टू मेक देम मोर इनकम अर्निंग। फांसी लगा रहा है, प्याज का दाम जो है आकाश को चला जा रहा है, अब उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं है, फार्मर इज नॉट बेनिफिटेड बाय द हाई प्राइस ऑफ द ओनियन। यही एग्रीकल्चर का विरोधाभास है, इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चरल प्राइस इज वेरी वेरी हाई and farmers are doing suicide because they are not in a position to repay loan taken from the bank because they could not get fair price. What fair price you want? If you want fair price, you must have share in stocking, cold chain, where you can wait and then sell. पता लगा ये खेत में प्याज खर रहा है ना, तो लास्ट ईयर का ही पैसा का प्याज है, लास्ट ईयर पैसा एडवांस में ले लिया था और फार्मर, और इस साल जो प्याज उग रहा है तो वो उसका पेमेंट ऑलरेडी किया हुआ है पुराने डेट पर। तो देर आर मेनी थिंग्स टू बी टेकन टू अकाउंट बिफोर टचिंग द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। प्रीवियसली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाली इक्विलिब्रियम, आप सुनते होइएगा बहुत आदमी कहता है कि हम नमक केवल खरीदते हैं और गांव में रह करके सारा चीज गांव में उगाते हैं, सीरियल्स हुआ, स्पाइसेस हुआ, है ना, एडिबल ऑयल हुआ, सारा चीज उगाते हैं। तो ये कहता है कि टोटल स्ट्रक्चरल चेंज को आप देखिए और तब आप ग्लोबलाइजेशन के असर को उस पर देखिए। उसके बाद कहता है कि व्हाट इज प्रो पुअर ग्रोथ,
व्हाट इज प्रो पुअर ग्रोथ, क्या ऐसा ग्रोथ है जिससे कि गरीब को फायदा हो, पुअर है ना, प्रो पुअर ग्रोथ, जो ग्रोथ हो रहा है वो पुअर के पक्ष में, ये बात समझने के लिए, गहराई समझने के लिए डेमोग्राफिक चेंजेस पर भी ध्यान देना होगा। यंग फार्मर्स और यूथ फार्मर्स के एटीट्यूड पर ध्यान देना होगा। एजिंग, एजिंग फैक्टर पर ध्यान देना होगा, एज कितना है। फार्मिंग में जेंडर पर भी ध्यान देना होगा। इसमें आपको जो है इंडोनेशिया में वर्क किया गया है, रिसर्च किया गया है ये जांचने के लिए कि गांव से आदमी को और शहर में या एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांसफर करेंगे, तो इन सब बातों पर भी ध्यान दें, किस एज ग्रुप का होगा, यूथ फार्मर का क्या एटीट्यूड है, जेंडर मैंने औरत और मर्द किसको भेजा जाए, ये बहुत सारे फैक्टर्स को देना हो। अब वो पुरानी बात, ये जो 1979 में इनको नोबेल प्राइज मिला और ये 2020, देर इज ए लॉट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑल द चेंज इन एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, पीपुल आर मोर वाइब्रेंट नाउ बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड, लार्ज नंबर ऑफ पीपुल ऑफ रूरल एरिया आर यंग एंड यू हैव टू थिंक इन दैट वे दैट हाउ डू यू फ्रेम प्रो पुअर ग्रोथ स्ट्रेटजी, ओनली देन दिस लेविस मॉडल कैन यूटिलाइज टिल द सक्सेस इज ऑब्टेन्ड। दैट्स ऑल, थैंक यू।